और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने पुलिस स्टेशन में होने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में बड़ी बात कही। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा हनन पुलिस स्टेशन में ही होता है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने ये बात नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक कार्यक्रम में कही। और हमारे सहयोगी मीनाक्षी भांजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी, ज्यादा अपडेट लेकर। मीनाक्षी, और क्या कुछ कहा चीफ जस्टिस ने, वो भी बताइए लोगों को। देखिए, बहुत अहम टिप्पणी, जैसे आपने सही फरमाया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना ने कल किया है, और एक बहुत सीरियस कंसर्न उन्होंने जताया है। हमने देखा है हाल फिलहाल, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और मामले हो बाकी राज्यों में, वहाँ पे कस्टोडियल जो डेथ्स है उसका जो मामला है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कई सारे ये मामले इस वक्त उच्चतम न्यायालय में लंबित भी पड़े हैं, और इन सब चीजों के मद्देनजर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही है कि जो सबसे बड़ा खतरा मानवाधिकार को होता है वो कहीं ना कहीं थानों में या लोकल पुलिस स्टेशन में होता है। कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो एक बहुत गंभीर समस्या है जो आज भी अपने हमारे सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रीसेंट रिपोर्ट्स का हवाला देके कहा है कि जो सो कॉल्ड प्रिविलेज लोग होते हैं उन्हें भी कई बार थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं बहुत अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमारे दर्शक इस बात से वाकिफ होंगे कि पिछले साल पार्लियामेंट में जो केंद्र सरकार है उन्होंने डेटा दिया था कि एवरेज जो है 5 लोगों का प्रतिदिन कस्टडी में डेथ का मामला केंद्र सरकार ने पिछली बार पार्लियामेंट में सबमिट किया था, यानी कि कुल मिलाकर 1584 जुडिशियल कस्टडी और 113 मौतें पुलिस कस्टडी का तो रिकॉर्ड है अप्रैल 1, 2020 से लेकर मार्च 31, 2020 तक का। ये केंद्र सरकार ने खुद संसद में बात कही है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिमार्क है वो बहुत अहम इसलिए हो जाता है श्रद्धा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अक्यूज्ड तब तक माना जाता है जब तक उसको दोषी करार ना दिया जाए, और वो पूरी जो प्रक्रिया होती है अक्यूज से लेके दोषी करार देने तक की वो बहुत अहम प्रक्रिया मानी जाती है किसी भी डेमोक्रेसी में जहाँ पे रूल ऑफ लॉ का जो है बोलबाला है। तो ये जो ट्रेंड है कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ का, उस पे एक शख्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है भारत के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद जब उस पे टिप्पणी करते हैं तो आप मान लीजिए कि मामला जमीनी स्तर पे कितना संगीन है। जी मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।